नमस्कार सभी को। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी, फ्राई राइस बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैंने ये बीन्स काटा है, गाजर को काटा है, दो धनिया काट रखा है, अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया है, मटर छील रखा है, प्याज काट के रखा है। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा तेल गर्म हो गया है, मैं तेल में हल्का सा जीरा डालूंगी। अब उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अब मैं कटी हुई मिर्च डालूंगी। अब प्याज, बहुत बढ़िया बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर घर में कोई भी सब्जी नहीं है, प्याज काटो, मटर छीलो, फर्स्ट क्लास बना लो राइस। अब मेरा प्याज हल्का सा हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी गाजर, फिर इसमें डालूंगी बीन्स, अब इसमें मैं डालूंगी हरी मटर। मिक्स करूंगी मैं इसको अच्छे से, 5 मिनट के लिए ढक के रखूंगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा मटर प्याज एकदम अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, फिर डालूंगी इसमें मिर्ची पाउडर, थोड़ा हम तीखा ज़्यादा खाते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी मैगी मसाला। अब इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। ये सारे मसाले को मैं मिक्स करूंगी इसमें अच्छे से। दो तीन मिनट के लिए छोड़ूंगी पकने के बाद। अब मेरा मटर टमाटर प्याज एकदम अच्छे से पक गया है, इसका मसाला जो भी मैंने डाला था वो भी पक गया। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। चावल मैंने डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये बहुत बढ़िया लगता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। आप ही अपने घर पे इसको बनाइए, बना के खाइए, बहुत प्यारा लगता है, बहुत। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा राइस एकदम बन के रेडी है। आप चम्मच उठाइए और फटाफट खाइए। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।